राजधानी दिल्ली ज्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में उपस्थित। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शरीर में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया, इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था, क्यों। बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले
परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। मेरी माताओं बहनों, पहले की सरकारों ने मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है।